एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये तो श्योर है कि या तो आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या फिर इसके बारे में आप सोच रहे हैं। बट कैसा आपका करियर रहने वाला है और क्या आपको एक्चुअली में होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं, ये इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि होटल मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्या आपका एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए होटल मैनेजमेंट के कोर्स एंड करियर के साथ, और एंड में बताऊंगा कि किनको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए एंड किनको नहीं करना चाहिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होटल मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपना ये बताया कि होटल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट सर्विस इंडस्ट्री, यानी कि आप होटल में किस तरीके से सर्विस देते हैं, किस तरीके से आप उनका टेक केयर करते हैं, ये ही होटल मैनेजमेंट होता है। इसमें बेसिकली चार डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपके चार सब्जेक्ट्स बनते हैं, यानी कि सबसे पहले होता है किचन डिपार्टमेंट यानी शेफ की जॉब, दूसरा होता है आपका फ्रंट ऑफिस यानी कि रिसेप्शन की जॉब, तीसरा होता है आपका फूड एंड बेवरेज सर्विस यानी सर्वर की जॉब, सर्विंग रिलेटेड जॉब्स, एंड फोर्थ होता है आपका हाउसकीपिंग यानी कि क्लीनिंग जॉब। एंड इन सब चीजों के अराउंड ही आपका होटल मैनेजमेंट का पूरा कोर्स रिवॉल्व करता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको सिखाया जाता है अलग अलग लेवल पे। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल इन्हीं चार डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी अदर सर्विस सेक्टर रिलेटेड जॉब है जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि आप होटल में जॉब तो कर ही सकते हैं इन सारे डिपार्टमेंट्स में, इसके अलावा आप एयरलाइंस में भी जॉब कर सकते हैं, यानी आपका जो कैबिन क्रू होते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं, या फिर आपका ग्राउंड स्टाफ वगैरह जो एयरपोर्ट में काम करता है, वो सारी जॉब आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। उसके अलावा आप रिटेल जॉब के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आपके जो भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं लाइक रिलायंस डिजिटल, टाटा क्रोमा, बहुत बड़े बड़े जो भी शोरूम्स होते हैं उनमें जाके आप जॉब कर सकते हैं एज अ मैनेजर। इसके अलावा आप डोमिनोज, पिज्जा हट जैसे बड़े बड़े क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में भी एज अ मैनेजर जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अदर अदर टाइप्स ऑफ जॉब होती है, मतलब कोई सा भी सर्विस सेक्टर रिलेटेड जॉब होता है उसके लिए आप कंप्लीटली एलिजिबल हो बिकॉज आपने होटल मैनेजमेंट करा हुआ है। और एक्चुअली में फर्स्ट प्रिफरेंस भी जो भी ये सर्विस सेक्टर रिलेटेड जॉब होती है जिसमें कस्टमर डीलिंग होती है, गेस्ट डीलिंग होती है, मार्केटिंग सेल्स मार्केटिंग की जॉब होती है और कोई भी इस तरह की जॉब होती है, उसमें सबसे पहला प्रिफरेंस हमेशा होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट को दिया जाता है बिकॉज आपके पास वो स्किल है, वो नॉलेज है जो कि हॉस्पिटैलिटी बड़े बड़े होटल्स में काम करने के लिए चाहिए होती है। तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा प्रिफरेंस मिलती है इन सारी टाइप की जॉब्स में। सो इससे आपको क्लियर तो हो गया होगा कि होटल मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, क्या आपको सिखाया जाएगा और साथ ही साथ क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपकी रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन लोग होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और कौन लोग होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो देखो यार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, मतलब अगर आपने ट्वेल्थ करी हुई है और आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट था तो फिर आप होटल मैनेजमेंट करने के लिए एलिजिबल हो। नो मैटर आप साइंस स्ट्रीम से हो, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट्स से हो, कोई भी हो स्ट्रीम से हो, कोई भी हो, आप कर सकते हो होटल मैनेजमेंट। साथ ही साथ इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता है जनरली, मतलब इवन अगर आप 50% से लेस भी हो, पासिंग मार्क्स आपके हैं, तो भी आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। यस, कुछ जगह है जहाँ पे आपका 50% मिनिमम मांगा जाता है, बट अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप आसानी से लेस परसेंटेज पे भी होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। एंड इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि आपकी परसेंटेज कैसी आई, आप पढ़ने लिखने में कैसे थे, उससे कोई मैटर नहीं करता है। रैदर मैटर करता है कि आप कितने अच्छे से नॉलेज गेन कर रहे हैं, कितना अच्छा एक्सपीरियंस आपको हो रहा है और आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। और यही रीजन की वजह से ये बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन बन जाता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन, बिकॉज इसमें जो चीज़ें सिखाई जाती हैं बिल्कुल बेस से सिखाई जाती हैं। आपका ट्वेल्थ तक आपने कभी भी होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ट्वेल्थ के बाद सब चीज़ें बिल्कुल बेस, बिल्कुल जीरो से सिखाई जाती हैं। नाउ इससे आप लोगों को एक चीज़ की खुशी तो हो गई होगी कि आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, कितनी भी परसेंटेज लाते हैं, आप होटल मैनेजमेंट करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। बट क्या आप होटल मैनेजमेंट करने के लायक हो या ये कोर्स आपके लायक है या नहीं है, ये आपको वीडियो के एंड में पता चले, क्योंकि एलिजिबल तो हर कोई है, लेकिन क्या आप इससे एक अच्छा करियर ऑप्शन बना पाओगे वो आपको वीडियो के एंड तक डेफिनेटली पता चल जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करो बिकॉज इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो अब तक हमने बात करी कि होटल मैनेजमेंट आखिर होता क्या है और साथ ही साथ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके लिए होटल मैनेजमेंट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट कोर्स से और करियर से। सो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई होटल मैनेजमेंट करते साथ ही सीधे मैं किसी होटल का मैनेजर वैनेजर बन जाऊंगा और मस्त जाके किसी सोफे पे बैठ के अपना काम वगैरह करता रहूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बदलनी पड़ेंगी। उसका कारण ये है कि आपको बेस से शुरू करना पड़ता है, आप सीधे मैनेजर नहीं बनते हो। क्योंकि अगर आप एक मैनेजर बनना चाहते हो तो आपके अंदर तीन चीज़ें ये होनी ही होनी चाहिए। सबसे पहले होता है नॉलेज, दूसरा होता है स्किल्स,
तीसरा होता है एक्सपीरियंस। तो जब आप होटल मैनेजमेंट करने जाते हो तो आप नॉलेज गेन कर रहे होते हो, थोड़ी बहुत स्किल भी आपकी डेवलप होती है, बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। जैसे जैसे आप काम करने लगते हो आपका स्किल भी डेवलप होता है, नॉलेज और बढ़ता है, और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। उसके बाद जब आपके पास ये तीनों चीजें आ जाएंगी तब आप एक मैनेजेरियल कैंडिडेट के लिए परफेक्ट हो जाओगे। अब आपको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, कब हम बन सकते हैं भाई मैनेजर, या फिर एक अच्छे लेवल पे पोजीशन पे हम कब पहुंच सकते हैं? तो देखो, एक असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर बनने में मिनिमम 2 से 5-7 साल तक लग सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस के ऊपर। इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, आप इजीली आपको इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। सेकंड, जो आपको एक्सपेक्टेशन बहुत सारे लोगों की रहती है कि यार हमारी कोई ऐसी जॉब हो जब हम सुबह जाएं अपना आराम से और मस्त शाम को आराम से आ जाएं अपना घर, तो ये होटल मैनेजमेंट में आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी होंगी, बिकॉज यहाँ पे शिफ्ट बेस्ड जॉब होता है। कभी आप मॉर्निंग शिफ्ट में जाएंगे, कभी आप आफ्टरनून शिफ्ट में जाएंगे, कभी आप नाइट शिफ्ट में जॉब करेंगे, और वो शिफ्ट शफल अप होती रहती हैं। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो आपको एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बदलनी पड़ेंगी। साथ ही बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि यार मैं आराम से किसी डेस्क में बैठ के कंप्यूटर के आगे कुछ जॉब करता रहूं, तो वो होटल में करने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। अगर आप ये 4 डिपार्टमेंट जो मैंने शुरुआत में बताए थे उनमें काम कर रहे हैं, तो उसमें आप ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने ही नहीं वाली है जब तक आप एक बहुत हाई पोजिशन पर ना पहुंच जाओ। बिकॉज सिंपल सा चीज़ है यार, आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको सिंपल समझ आएगा कि आप अगर शेफ हो तो आपका काम है फूड कुकिंग करना, ना कि कंप्यूटर के आगे बैठना। अगर आप सर्विस में हो तो आपको फूड सर्व करना या मैनेज करना, वो सब आपका काम होगा, राइट? तो इस वजह से क्या है, आप ये सब चीजें नहीं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि यार मैं किसी डेस्क में आराम से बैठकर कंप्यूटर चलाऊं, तो वो तो होटल में होने नहीं वाला है। साथ ही बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि छूटते साथ ही हम कोर्स जैसे ही करें वैसे ही हमारी बहुत लाखों की सैलरी लग जाए, या फिर हम मिनिमम 50-60-70 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये कमा रहे हो, तो वो होटल मैनेजमेंट से आपको नहीं मिलने वाला है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया 3 चीजें, नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ये तीनों चीजों का जब तक आपके पास मिश्रण नहीं होगा तब तक आपकी सैलरीज उतनी हाई नहीं मिलेंगी। शुरुआत में आपकी जो सैलरीज होती हैं थोड़ा कम होती हैं, हालांकि अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए और आप गल्फ कंट्रीज के लिए या फिर बाहर के कंट्रीज के लिए क्रूज शिप्स के लिए निकल जाए तो आप आराम से लाखों में भी कमा लोगे, बट शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी थोड़ा कम सैलरी। साथ ही साथ एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है जिसमें आपको जेंटलमैन बन के रहना पड़ता है। तो अगर आपको क्लीन शेव रहना पसंद नहीं है या फिर आपके आपको बड़े बाल रखना पसंद है, तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे क्लीन शेव रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन होटल, एंड साथ ही साथ अपने हेयर्स को वेल ट्रिम करके रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके क्या कारण है वो मेरे अदर वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किन लोगों को होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप हैं फिजिकली एंड मेंटली बहुत ही फिट, एकदम फिट है, है ना, आपको फिजिकल वर्क करने में कोई इशू नहीं है, बिकॉज होटल मैनेजमेंट एक ऐसी जॉब है, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी जॉब है वो ऐसी जॉब है जिसमें आपको फिजिकली टफ जॉब रहेंगी, खड़े खड़े काम करना पड़ता है ड्यूरिंग द होल शिफ्ट। मतलब अगर आप एक शेफ हैं, आप चाहे सर्विस में हैं, आप चाहे रिसेप्शन में, आपको खड़े खड़े जॉब करना पड़ेगा होल टाइम, तो आप अगर फिजिकली फिट हैं तो ही आप ये काम कर पाएंगे। सेकेंड है कि आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, आप दूसरे कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ जाना चाहते हैं, तो फिर वो आपका सपना पूरा हो सकता है होटल मैनेजमेंट करने के बाद, बिकॉज आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं। क्रूज शिप्स में आप अगर चले गए तो आज आप कहीं जागेंगे, कल आप कहीं सोएंगे, ये वाला हिसाब रहता है। साथ ही अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन है जिसको बहुत ही ज़्यादा घुल मिल के रहना पसंद है, बहुत जल्दी दोस्त वगैरह बना लेता है, नए नए लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, तो इस टाइप के लोगों के लिए होटल मैनेजमेंट, होटल इंडस्ट्री बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज यहाँ पे आपको रोज नए नए लोगों से मिलना होता है, एकदम फ्रेंडली तरीके से बात करना होता है, ऑलवेज स्माइल रखनी होती है अपने चेहरे पे, तो वो वही कर सकता है जो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं और इस तरीके की चीजें करना पसंद करते हैं। एंड अगर आप ऐसे हैं तो डेफिनेटली आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है इस इंडस्ट्री में, बिकॉज आप इजीली किसी के साथ भी मिंगल अप हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो कैसे भी हो, आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप इजीली किसी को भी किसी भी बात के लिए कन्विंस कर लेंगे और वो आपका बहुत काम आता है जब आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होते हो। सो यस, अगर आपके
अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं तो डेफिनेटली आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। अब बात आती है कि किन लोगों को होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला तो वही है यार कि देखो, अगर आपके अंदर फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, आपके कोई भी फिजिकल इशू है, आपको खड़े रहने में दिक्कत है, आप काम नहीं कर पाएंगे 10-12 घंटे तक खड़े रहकर, तो फिर आपको होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे केवल फिजिकल जॉब्स ही होती हैं, यहाँ पे आपको फिजिकली टायरिंग जॉब्स मिलेंगी। अगर आपको उसमें इशू आता है, आपके बैक पेन का प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, फिर आपको आगे चल के आपके करियर में बहुत दिक्कत आएगी और बाद में शायद आप कोर्स ही छोड़ दें या फिर बाद में करियर ही ना बना पाए अपना। सेकंड है कि अगर आपको 9 to 5 टाइप का जॉब चाहिए कि आप सुबह 9 बजे जाएं, शाम को 5 बजे आके अपना आराम से घर पे लेट जाएं, तो वो वाला हिसाब आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है। बिकॉज शिफ्ट बेस्ड जॉब है, जैसे मैंने पहले बताया, तो आपको शिफ्ट्स में, अलग अलग शिफ्ट्स में जॉब करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो ऑफ मिलते हैं वो कभी भी संडे को नहीं मिलेंगे, वो कभी भी विद इन द वीक आपको किसी भी दिन मिल जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आप अगर आपके ईद, दिवाली, होली, जो भी ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इस दौरान भी आप अब हमेशा घर पे नहीं रह पाएंगे, तो आपको अगर ये सब चीज़ें दिक्कत कर रही हैं तो फिर तो आपको होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि शेविंग करना, बाल ट्रिम रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस इंडस्ट्री में। अगर आपको इससे भी इशू है तो फिर आप होटल में शायद जॉब ही ना कर पाएं। इसके अलावा एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम कभी कंसीडर नहीं करते हैं, वो ये है कि अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड है, अगर आप इस तरीके की फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही अच्छी फाइनेंशियली स्टेबल है, या फिर आपको लगता है कि यार आप झेल नहीं पाएंगे फिजिकली इतने सब चीज़ें, तो फिर आपको होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप रफ चलोगे, है ना, फिजिकली काम चलेगा, बहुत ज़्यादा रफ इन्वायरमेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा बिजी इन्वायरमेंट हो सकता है, तो ऐसी जगह में क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत फिजिकली मेंटली आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस तरीके के बंदे को। क्योंकि होता क्या है कि आजकल की जनरेशन में बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड है अपने घर से, उन लोगों को बिल्कुल भी कभी कोई हार्डशिप्स नहीं देखनी पड़ी, कोई भी दिक्कत झेलनी नहीं पड़ी है, तो वो लोग सडनली जब होटल में जाते हैं तो उनको देखना पड़ता है कि फिजिकली काम करना पड़ रहा है, सामान इधर से उधर उठा के रखना पड़ रहा है, जो उन्होंने घर में आज तक एक पानी का ग्लास तक उठा के नहीं रखा है, उन लोगों को सामान उठाना पड़ रहा है, तो उनको तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। लेकिन जो लोग इन चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जो लोग फिजिकल हार्डशिप्स लेने के लिए तैयार हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल आपकी वो है, और आपको लगता है कि यार इवन अब अगर आपको काम करने को मिल जा रहा है, आप अब्रॉड भी चले गए, वहाँ जाके 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, तो शायद आपको यही लगेगा कि यार मैं 1 लाख कमाते हुए भी मेरे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है और मेरे को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, मैं पता नहीं इसमें आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। वेयर एज अगर आप फाइनेंशियली लाइक मिडिल क्लास से हैं, इवन अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, लोअर क्लास से हैं, तो फिर आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। बिकॉज तब आप फिजिकल हार्डशिप लेने के लिए तैयार हो जाते हो, आप इतने ज़्यादा हाईली पैम्पर्ड नहीं होते हो, आप फिजिकली काम करने के लिए तैयार होते हो, और जब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको 1 लाख रुपये की सैलरी मिल रही है या उससे ऊपर मिल रही है, तो वो आपको क्या है, आप उसके लिए फिजिकल चैलेंज लेने के लिए तैयार हो जाओगे, और फिर तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल लगेगा कि आपके लिए करियर बेस्ट ऑप्शन रहा है और आप कंटिन्यू करते जाओगे अपने करियर में। एक और जो तरीके के लोग हैं जिन लोगों को ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं चूज करना चाहिए, वो ये है कि जो लोग पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो लोग मतलब थ्योरेटिकली पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बट प्रैक्टिकली उतने अच्छे नहीं रहते हैं किसी भी चीज़ में, तो फिर उनके लिए होटल मैनेजमेंट सही नहीं है। बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली खुद देखा है ऐसे लोगों को, जो लोग 90% लाते थे मार्क्स, बट उनका करियर उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया। वेरेज जो लोग 60% मार्क्स ही लाते थे लेकिन उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा था, उनको प्रैक्टिकली जो भी वो 50% भी चीज़ें सीख रहे थे ना, या 50% मार्क्स भी ला रहे थे, उसको एक्चुअली अपने दिमाग में रख रहे थे। वेरेज जो 90% लेके आ रहा था, वो 90% तो ले आ रहा था, याद कर ले रहा था, उसको वहाँ पे पेपर में लिख दे रहा था, लेकिन उसके बाद फ्यूचर में आगे उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाया। सो डजेंट मैटर आप 90% लाते हैं या 50% लाते हैं, अगर आप फिजिकली या प्रैक्टिकली उस काम को उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये इंडस्ट्री इतनी खास नहीं रहेगी। वेरेज अगर आप चाहे 50% लाते हो, 60% लाते हो, या कोई भी परसेंटेज लाते हो, और उतना ही आप अच्छे से सीख पा रहे हो और प्रैक्टिकली उस काम को कर पा रहे हो, तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर लो। तो इससे तो आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किन लोगों को होटल मैनेजमेंट करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए।
परसेंटेज डजन मैटर, मार्क्स डजन मैटर, आप कैसा पेपर में मार्क्स ला रहे हो, उस चीज़ें नहीं मैटर करेंगी। 12th परसेंटेज भी मैटर नहीं करेगी, लेकिन मैटर करेगा आपका एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा डाउट बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया था कि हमें होटल मैनेजमेंट आखिर करना कहाँ से है, बिकॉज अगर आप एक सही कॉलेज चूज नहीं करोगे तो फिर आप चाहे कितने भी अच्छे हो, आपका करियर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बिकॉज हर किसी की अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, हर किसी का अपना अलग क्राइटेरिया हो सकता है, वो सब अगर आपको जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको पूरा असिस्टेंस देने की कोशिश करूंगा, बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे तब भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, लाइक जरूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।